I welcome you all to Avision Institute YouTube channel Avision SSC Bank Exams. और जैसे कि आप Avision से current affairs follow करते हैं, तो आज का जो topic है, Joe Biden takes oath as the 46th president of USA. कल का news आपने देखा होगा, कल उन्होंने oath लिया 28th जनवरी 2020 को, तो उसके ऊपर discuss करेंगे क्या geopolitics में change आया है. जैसे कि आपको पता है दोस्तों सबको कि USA जो एक country है सुपर पावर कंट्री है, और अगर यहाँ पे कुछ चेंज होंगे तो उसका इफेक्ट आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगा, वर्ल्ड वाइड इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा. तो कैसे क्या चेंज होंगे, क्या कुछ होने वाला है, तो पहले चलते हैं इसके तरफ. तो देखिए, जो बाइडेन टेक्स ओथ एज द 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड कमला हैरिस जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, वो वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए. जो बाइडेन जो कि 46th प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑन जनवरी 20, उन्होंने डिक्लेयर किया दैट डेमोक्रेसी हैज प्रिवेल्ड. उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पे प्रिवेल कर रहा है, और उन्होंने अपना ऑफिस का ओथ लिया. उसमें कहा कि जो पहले जो आर्गुएबली ग्रेटर प्रेसिडेंट्स थे उनसे अच्छा अच्छे काम हम करके दिखाएंगे, जो पहले के जो लोग थे, या फिर जो यहाँ पे उनका सीधा इशारा था डोनाल्ड ट्रंप को लेके, तो उसको उनकी नीतियों को कैसे चेंज करेंगे या क्या करेंगे हम आपको आगे बताते चलेंगे. अब देखिए कि क्या हो रहा है कि एक हिस्टोरिक लीडरशिप है, क्योंकि जो बाइडेन एट द एज ऑफ 78 ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हिस्ट्री में बने हैं एंड ओनली द सेकंड रोमन कैथोलिक प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, फिर जीत के आए इलेक्शन. हैरिस की अगर बात करें तो उनके बारे में बहुत चर्चा है, क्योंकि वो डॉटर ऑफ इंडियन एंड जमैकन इमिग्रेंट्स है, मतलब कि उनका जो रूट्स है इंडिया में है, एंड बिकेम द हाईएस्ट रैंकिंग वोमेन इन यूएस हिस्ट्री एंड द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर एज द नेशंस नंबर 2. यहाँ पे कह रहे हैं कि वो एक कलर, मतलब कि कलर ब्लैक से आती हैं, और उसके साथ ही साथ वो इंडियन मूल की रहे, उनकी माताजी जो थे इंडियन मूल की थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज रहा है. अब देखिए कि यहाँ पे एनडीटीवी का एक आर्टिकल है कि माय होल सोल इज एन यूनाइटिंग अमेरिका सेज बाइडेन आफ्टर टेकिंग ओथ. उनका ये लाइन था कि माय होल, उनका जो पूरा सोल आत्मा की बात कर रहे हैं कि उनको अमेरिका को एक साथ यूनाइट करना है. तो बाइडेन जो 78 के एज में ओथ लेते हैं ऑफिस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स, उन्होंने ये अपने कैपिटल में ये अनाउंस किया कि हम अमेरिका को यूनाइट करने के लिए एक साथ आए. अब देखिए कि जो बाइडेन वेडनेसडे को 46 प्रेसिडेंट बनते हैं यूएसए का, और वो क्या कहते हैं कि हमें यूनिटी को, मतलब यूनिटी को बढ़ावा देना है, एक ब्रिज डीप लाना है जो कि डिवाइड करता है, डिफीट करता है डोमेस्टिक एक्सट्रीमिज्म को, 2 weeks आफ्टर द मॉब अटैक ट्राइड टू अनडू हिज इलेक्शन विक्ट्री. एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों, तो आप ध्यान दिए होंगे तो इलेक्शन का, एक तो पहले इलेक्शन का रिजल्ट आते बहुत टाइम लगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपना पोजीशन छोड़ने के रेडी नहीं थे, अलग अलग सर्टिफिकेट, अलग अलग स्टेट के सर्टिफिकेट के ऊपर केस पे केस कर रहे थे, बोल रहे थे इसका मान्य नहीं है, और जब एक करीब डेट आ गया कि उनको पोजीशन छोड़ना है, तब वहां पे एक जो कैपिटल है वहां पे एक अटैक हो गया, मॉब का अटैक हुआ, मतलब वायलेंस टाइप का हो गया, और उसके वजह से उन्होंने कहा कि ये बहुत ही खराब है. जो बाइडेन कह रहे हैं कि बहुत ही खराब और शर्मनाक हरकत थी. उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे कैपिटल के बिल्डिंग को असॉल्ट किया गया था जनवरी 6 को, और उसके बाद बाइडेन सोर होते हैं ओथ ऑफ द ऑफिस मोमेंट्स आफ्टर कमला हैरिस, जो कि बिकम करें फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट, टर्निंग ऑन द पेज ऑन डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 4 साल डोनाल्ड ट्रंप के थे उसको लेके. अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि बाइडेन इनॉग्रेट्स एट द 46th प्रेसिडेंट एमिड ऑफ कैस्केड ऑफ क्राइसिस, जो क्राइसिस हो रहा है, ये जो आर्टिकल कह रहा है क्राइसिस के बाद जो बाइडेन जो है अभी बने गए हैं हमारे जो 46th, एक्चुअली यूएसए के 46th प्रेसिडेंट, और साथ में कमला डेवी हैरिस जो है वहां की वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट हुए. और उन्होंने एक कहा कि जो ये जो कैपिटल में वायलेंट मूव हुआ या फिर एक वायलेंस हुआ, उसके साथ एक टाइम, इस टाइम में जब एक डेडली पेंडेमिक अभी स्टिल उससे जूझ रहा है यूएसए, तो इस तरह की क्राइसिस यहाँ पे होना नहीं चाहिए, जो बाइडेन ने अपने स्पीच में कहा था. देखिए यहाँ पे द हिंदू का आर्टिकल के ऑन डे वन जो बाइडेन टारगेट ट्रंप पॉलिसीज ऑन क्लाइमेट एंड कोरोना वायरस. उन्होंने क्लाइमेट को लेके भी बहुत सारी चर्चा की कि हमको कैसे क्लाइमेट को चेंज करना है, उसको रोकना है. साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि इंडिया के रोल की भी सराहना की थी उन्होंने अपने स्पीच में. और साथ ही साथ कोविड को कैसे हम फाइट करेंगे, मतलब यूएसए कैसे फाइट करेगा, उसकी बारे में भी चर्चा कर रहे हैं. और वो ज्यादातर टारगेट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि उन्होंने कैसे क्लाइमेट को और कोरोना वायरस को डील किया, क्योंकि क्लाइमेट में अगर बात करें, देखिए यूएसए पेरिस के एग्रीमेंट से निकल के आ गया था, पेरिस एग्रीमेंट जो क्लाइमेट का ऊपर है उससे निकल के आ गया था. उसके बाद कोरोना वायरस में अगर बात करें तो मैक्सिमम केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं यूएसए में, और मैक्सिमम डेथ यूएसए में देखे जा रहे थे, और जिसके लिए पूरा मुखर तौर पे जो बाइडेन उनके आलोचना कर रहे थे. यहाँ तक कि जो डिबेट्स हो रहे थे तो उसमें भी जो बाइडेन इसी पॉइंट को पकड़ के रखे थे इलेक्शन के पहले भी, तो उसी का बात कर रहे हैं दोस्तों. यहाँ पे एक और बात बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की जो लीगेसी है, जो
ऑफिस है, उन्होंने उसमें कहा कि जो उनका जो ऑफिस था वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर था, रेशियल हैंड इक्वलिटी नहीं था, जिसको जो बाइडेन प्रमोट करेंगे रेशियल इक्वलिटी, इक्विटी कैसे लाए, हैंडलिंग ऑफ द कोरोना वायरस कैसे ठीक किया जाए। प्रेसिडेंट ने ऑर्डर साइन किया कुछ ही देर बाद जब अपना ओथ लेने के बाद, तो उसमें क्या कह रहे हैं कि वो जो है अपने जो रिश्ते हैं दोस्तों, मतलब रिलेशंस जो हैं अलग अलग कंट्री जो कि जो डोनाल्ड ट्रंप के समय बिगड़े हुए थे उनको सुधारेंगे, जैसे कि मुस्लिम कंट्री के लिए वो फिर से एक नए रूप में आएंगे और वो ऐड या फिर उनको मदद प्रोवाइड करेंगे। ये जो उसके बाद और बात करें तो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज रही हैं उनको 15 डेज के अंदर रिवर्स कर देंगे, उसको रिवर्स करने की भी बात कही है। साथ ही साथ अलग अलग जैसे कि ईरान के साथ रिलेशन को सुधारा जाएगा। उसके बाद एक चीज और देखा कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन सुधारने की बात हो रही है। पाकिस्तान को जो डोनाल्ड ट्रंप 2018 में जो पैसा वो पाकिस्तान को सप्लाई करता था अमेरिका, उसको जो बंद कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको बंद कर दिया था उसको शुरू करेंगे जो बाइडेन। साथ ही साथ जो पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं उनका जो ट्रेनिंग होता है मिलिट्री ऑफिसर्स का अमेरिका में, वो उसको रिवाइव किया जाएगा, ऐसे इस तरह से कहा जा रहा है। अब इसको इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो दोस्तों, तो इंडिया पे क्या इफेक्ट होगा? तो देखिए इंडिया पे कुछ ज्यादा इफेक्ट होना नहीं है, क्योंकि जो बाइडेन जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे, क्योंकि इंडिया जो है एक बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया आज के डे में भी एक बहुत बड़ा मार्केट है अमेरिका के लिए, तो वो अपना बिजनेस खराब हैम्पर करने नहीं चाहेंगे। और साथ ही साथ जो इंडिया को अब यहाँ पे कुछ अपना पॉलिसीज चेंज करनी होगी, क्योंकि फॉरेन पॉलिसीज में चेंजेस आएंगे इंडिया के, क्योंकि अब देखिए कि थोड़ा क्या होगा कि यूएसए अब पाकिस्तान प्रो होगा, पाकिस्तान को हेल्प करेगा, क्योंकि जहां से जिसको बिजनेस मिलेगा दोस्तों वर्ल्ड में आज के दिन में क्या हो रहा है कि जिसको जहां से बिजनेस मिलता है वो उसको हेल्प करेगा। जैसे कि आप देखिए कि आज रसिया पाकिस्तान की ओर झुका हुआ है, जो चीजें बेच रहा है फिर हेल्प कर रहा है, तो उसमें क्या है कि जिसको जहां से बिजनेस मिलता है अल्टीमेटली वो उसको हेल्प करेगा। तो जो बाइडेन को अगर यहाँ पे हेल्प मिलता है तो वो पाकिस्तान को हेल्प करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा डायरेक्ट। वो इतने बड़े पॉलिटिशियन तो है कि वो एक बार में इंडिया को या फिर कुछ हार्श डिसीजन ले अगेंस्ट इंडिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंडिया भी आज भी अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मार्केट है, वहां से सबसे ज्यादा डील होती है अमेरिका के लिए। साथ ही साथ अगर बात करें जो बाइडेन की यहाँ पे पाकिस्तान की नीति को लेके, तो वो क्या करेंगे कि वो जो अफगानिस्तान में जो पीस कीपिंग जो चल रहा है तो उसमें पाकिस्तान की मदद लेंगे और हेल्प लेके हो सकता है कि आगे वो करेंगे, पाकिस्तान को मदद करेंगे और पाकिस्तान से मदद भी लेंगे, तो अफगानिस्तान में कैसे पीस मेंटेन किया। और ईरान के साथ जो इतना बदतर हालात हो गए थे यूएसए का रिलेशन का, तो आगे जाके हम देख सकते हैं कि वो रिलेशंस भी रिवाइव हो। उसके बाद देखिए, वी मस्ट एंड दिस अनसिविल वार, प्रेसिडेंट बाइडेन वीपी हैरिस मैक्स हिस्ट्री, उन्होंने कहा है कि ये जो अनसिविल वार हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल है यहाँ पे, नॉर्मेलिसी हैज बीन रिस्टोर्ड इन अमेरिका, जोसेफ आर बाइडेन एग्रीड, जब से वो प्रेसिडेंट बने तो बोल रहे हैं कि वो नॉर्मेलिसी अब आ चुका है और ये जो बैटल्स हुए थे, जो जितने जो वायलेंस हुए थे वो सब खत्म होंगे, उसको अनसिविल वार जो था उसको खत्म किया जाएगा। एक्चुअली जो ये डेमोक्रेट्स पार्टी के आते हैं, तो डेमोक्रेट्स बेसिकली क्या होते हैं, वो थोड़ा ब्लैक्स को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और जो आपके रिपब्लिकन थे वो रिपब्लिकन एकदम ब्लैक को सपोर्ट, ब्लैक जो रिपब्लिकन होते हैं यूएसए के होते हैं उनको एकदम सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इसके वजह से ये बातें उठी थी। लेकिन जो बाइडेन यहाँ पे कह रहे हैं कि हम सबको एक साथ लेके चलेंगे, एक साथ मिलके काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, व्हाट विल बाइडेन एरा मीन फॉर द वर्ल्ड एंड इंडिया। तो जैसे बाइडेन यहाँ पे जो बाइडेन जो यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं, तो ये चर्चा गर्मा गई है, पूरे देशों में चर्चा शुरू हो गई है कि इससे क्या होगा, क्या चेंजेस होंगे जो बाइडेन के वर्ल्ड में। तो देखिए ज्यादा चेंजेस ऐसा कुछ ऐसा जो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेरिका अब भी यूएसए का एक ही टारगेट रहेगा कि हम सुपर पावर बने रहें, क्योंकि एक पावर का जो टसल चाइना के साथ चल रहा है उसका, तो ऐसा नहीं है कि जो बाइडेन चाइना के प्रो हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोई भी अपना सुपर पावर या फिर नंबर वन की गद्दी छोड़ना नहीं जाएगा। तो यूएसए जो नंबर वन पे यहाँ पे लार्जेस्ट इकोनॉमी है, साथ ही साथ सबसे ज्यादा डिफेंस में है और सब मतलब सुपर पावर, मोस्ट यहाँ पे जो सुपर पावर बना हुआ है यूएसए, तो वो अपना पोजिशन गंवाना नहीं चाहेगा। तो वही होगा कि उसका जो रिलेशन थे वो मेंटेन रहेंगे। हाँ, कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते, जो कि जो ट्रंप ने बहुत सारे चेंजेस किए थे कि पेरिस एग्रीमेंट से निकल गया, तो बाइडेन के जो समारोह था जिसमें वो संबोधित कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि क्लाइमेट पे जोर दिया था, कैसे पेंडेमिक को खत्म करना उसके ऊपर जोर दे रहे थे उस पर, तो हो सकता है पेरिस क्लाइमेट में फिर से चले जाए वो, यूएसए एंटर करे। उसके बाद डब्ल्यूएचओ के साथ रिलेशन कैसे सुधारा जाए, साथ ही साथ
कैसे और भी कंट्रीज के साथ उसको रिलेशन मेंटेन किया, जैसे पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन एकदम पैसे जो अमेरिका पैसा सप्लाई करता था या फिर चीजें सप्लाई करता था कंप्लीटली बंद था, उसको फिर से रिवाइव किया जाए। ईरान के साथ जो इशू हो रहा है उसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि जो जो बाइडन जो डेमोक्रेट्स होते हैं आपको पता है कि वो थोड़ा प्रो मुस्लिम्स होते हैं, मुस्लिम को हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हाँ, इस पे चाइना के साथ रिलेशन कैसा होगा ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन चाइना के साथ भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे रिलेशन हो जाएंगे या फिर बहुत कुछ चेंजेस हो जाएगा। चाइना को एज ए कंपिटिटर अमेरिका देखता है, देखता रहेगा, और उस पर लेके हार्ड स्टेप देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये हम लोग का कंप्लीट जो एनालिसिस था, जो बाइडेन एज द 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ये हम लोग का टोटल वीडियो था आज का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ज्यादा ज्यादा एक चीज बता दें कि ऑनलाइन क्लासेस हमारे यहाँ चलती हैं एविजन इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म avizen.co.in में, या फिर गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वहां से डाउनलोड कीजिए एविजन डिजिटलाइज लर्निंग ऐप, एविजन के ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पे वेरियस टेस्ट सीरीज या फिर वीडियो कोर्सेज या फिर लाइव कोर्सेज ये सब आपको वहां पे मिल जाएगी, वहां पे जाके आप एनरोल करके देख सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों तो अगर मेरा कोड कूपन कोड यूज करेंगे जीतू10 तो आपको इंस्टेंट 10% का वहां पे डिस्काउंट मिल जाता है दोस्तों, और आपको और एक रीजनेबल रेट पे ये कोर्सेस या फिर टेस्ट सीरीज ऑफर हो जाएंगे। दोस्तों एक और चीज बात बता दें कि जैसे कि यहां पे वेस्ट बंगाल पुलिस का रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गया, कल से उसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया, 22 जनवरी 2021 से फॉर्म फिलअप 5 बजे से स्टार्ट होगा। तो एविजन इंस्टीट्यूट आपके लिए प्लान कर रहा है कि बैचेस लॉन्च करेगा ये एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, और ये बैचेस लॉन्च हो जाएंगे बहुत जल्द, आपको उसका पोस्ट फेसबुक पोस्ट या फिर यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगे कब से क्या ऑफलाइन बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। तो यहाँ पे काइंडली आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे या फिर एक और नंबर जो हम लोग के ऑफिस का है 8628981 8141 पे कांटेक्ट कीजिए, यहाँ पे बात कीजिए, सारे डिटेल्स लीजिए और बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पे आप आके यहाँ पे वेस्ट बंगाल पुलिस के कोर्सेज करके एक सुनहरे भविष्य की आशा कर सकते हैं। ये हम लोग का कंप्लीट वीडियो था दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूले, दोस्तों को बताना ना भूले, अपने फैमिली मेंबर्स को दिखाएं कि कैसे क्या चेंजेस हो रहा है जियोपॉलिटिक्स में और क्या क्या हम लोग कोर्सेज भी ला रहे हैं, और लाइक करना ना भूले, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि ऐसे वीडियोज आपके साथ मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच, साइनिंग ऑफ जीतू तिवारी।